Hi guys, this is Pooja Behra and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to be trying out crazy life hacks that can save 1 minute of your daily routine. So I'm super excited to try all the hacks because they are super useful for you guys in your day-to-day life. So before getting into this video, make sure you like, comment, share and subscribe. As usual, comment down which all hacks were your favorite or which all hacks were pass/fail according to you guys. Now without a further ado, let's get into this video. So first life hack mein ye ladki aati hai and wo shoelace nikalne ki koshish karti hai, but just because bahut zyada tightly shoelace bandhi gayi thi to wo shoe nahi nikal raha tha. So wo again apne friend ko bulati hai aur uska friend bhi use help karne ki koshish karta hai, but they fail in that. Uske baad uske friend ko एक आइडिया आ जाता है कि लेट्स यूज अ यू पिन एंड फिर शू निकालने की कोशिश करते हैं. तो वो शू के लेस में दो साइड से यू पिन डालते हैं एंड ओपन करने की कोशिश करते हैं एंड ओ माय गॉड, शू लेस चुटकियों में अनटैंगल हो जाता है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस हैक बिकॉज ये हैक डेफिनेटली आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो. सो या नाउ लेट्स सी इफ दिस हैक वर्क्स इन रियल और नॉट. टू बी रियली फ्रैंक, ये हैक को ट्राई करते वक्त मुझे थोड़ा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज करना पड़ा था. देखना पड़ा कि कहाँ पे मैं अगर यू पिन डालूँ तो वो सही से ओपन होगा. सो यस, वो एक फैक्टर है. बट अगर आप मुझे पूछते हो कि ये हैक वर्क करता है या नहीं, तो आई विल डेफिनेटली से दिस वर्क्स आउट, बट उसमें भी आई थिंक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है. अगर वो शायद ज़्यादा ही टाइट हुआ तो वो कैसे निकलेगा, आई एम नॉट रियली श्योर. आप प्लीज़ आपके जो भी गार्ट वाले शूज़ है उस पर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन आपके अकॉर्डिंग ये हैक पास होनी चाहिए या फेल. नाउ फॉर द सेकेंड हैक, ये लड़की ने बनाया है एक सुंदर सा हेयर स्टाइल एंड उस हेयर स्टाइल के ऊपर से वो एक टी शर्ट पहनना चाहती है क्योंकि वो बाहर जाने वाली आई थिंक. बट द थिंग इज, अपना हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा अगर वो टी शर्ट वेयर करने की कोशिश करेगी तो. सो उसने अगेन उसी फ्रेंड का हेल्प लिया एंड फिर भी काम नहीं किया. सो उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि लेट्स डू दिस हैक, जिसमें वो लड़का उसे ऑफर करता है एक अम्ब्रेला. वो लड़की होल्ड करती है अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला को नीचे नीचे ड्रिल डाउन करती रहती है एंड वो बंदा उसे टी शर्ट पहनाने में हेल्प करता है. एंड दैट्स हाउ द हैक हैड वर्कड. धीरे धीरे वो टी शर्ट पहन लेती है एंड आई डोंट नो ये हैक कितना रियलिस्टिक है, बट डेफिनेटली ये आपको डेली लाइफ में यूजफुल हो सकता है अगर ये वर्क करता है तो. नाउ लेट्स सी इफ दिस हैक वर्क्स इन रियल और नॉट. अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है वो अम्ब्रेला होल्ड करने में ही बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारा चला जाता है एंड अम्ब्रेला होल्ड करते करते शायद अपना जो हेयर्स है वो बिगड़ भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. क्योंकि मेरे हेयर्स अगर आपने वीडियो में देखे थे वो ओपन थे एंड यहाँ से प्रॉपरली सेट थे, बट जैसे ही मैंने अम्ब्रेला निकाल लिया तो मेरे थोड़े जो फ्रंट के हेयर्स थे थोड़े बिखर गए थे. तो आई थिंक किसी के अगर टाइट हेयर स्टाइल रहेगा जिसमें आपने, जैसे कि उस बंदी ने दो बंस किए थे राइट फ्रॉम द फ्रंट, अगर वैसा हेयर स्टाइल रहा तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प. बट अगर खुले बाल हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बिखर जाए. सो यस, ये हैक डेफिनेटली वर्क करता है, बट डू लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस. आई लव टू नो इट फ्रॉम यू गाइज. नाउ थर्ड हैक में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा यू नो लेजी कैटेगरी में आती है, जस्ट लाइक मी. तो वो जैसे तैसे जो ग्लास ऑफ कोक है वो तो ले लेती है, बट फिर उसे रखने के लिए उसके पास जगह नहीं होती एंड उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं होती कि वो कहीं चल के जाके वो ग्लास ऑफ कोक रख सके. सो उसने अगेन एक आइडिया लाया जिसमें वो यूज़ करती है सेलो टेप
एंड वो रैप करती है अराउंड वन हैंड ऑफ द चेयर एंड उस पर वो डालती है अपना ग्लास ऑफ कोक. नाउ ये हैक भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लेजी है जस्ट लाइक मी. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये पर्टिकुलर हैक ट्राई करने के लिए. नाउ लेट सी इफ दिस हैक वर्क्स इन रियल और नॉट. अकॉर्डिंग टू मी ये हैक डेफिनेटली वर्कआउट करता है अगर जो बीच में से जो सेलोटेप का जो एरिया है और अगर ग्लास का भी साइज अगर सेम हो तो डेफिनेटली ये हैक वर्कआउट करेगा. जैसे कि आपने वीडियो में देखा ऑलरेडी मैंने ग्लास की साइज बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड जो सेलोटेप का बीच का एरिया था खुला एरिया दैट वॉज टू बिग फॉर दैट ग्लास टू होल्ड. तो मैंने यूज़ किया बॉटल्स एंड दैट वो बॉटल स्टे किया बहुत लॉन्ग टाइम तक. सो मेरे हिसाब से हैक तो डेफिनेटली वर्कआउट करता है अगर आपका ग्लास का साइज इज डेफिनेटली द सेम एज दैट ऑफ द होल ऑफ द सेलोटेप. सो या डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन आपके अकॉर्डिंग ये हैक होनी चाहिए पास या फेल. फोर्थ हैक बहुत ज़्यादा क्रेजी है एंड आई थिंक ये बहुत से लोगों को यूज़फुल है क्योंकि यू नो आप हर टाइम चार्जिंग पे अपना फ़ोन रखते हो बट आपको कोई जगह नहीं मिल पाता अपना मोबाइल कहीं पे रखने के लिए स्टेबल पोजीशन पे. तो आई थिंक ये हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा मेरे लिए बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ एक स्टेबल प्लेस ढूंढने के लिए मोबाइल कहाँ रखूँ एंड मोबाइल गिरने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है मुझे. सो लेट्स सी इफ दिस हैक वर्क्स इन रियल और नॉट. टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी का फोन आता है या अपना फोन वाइब्रेशन में होता है तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है नीचे गिरने के लिए. हैक तो डेफिनेटली वर्कआउट करता है जैसे उन्होंने वीडियो में दिखा है वैसे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है बट बहुत रिस्क है इस हैक में बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन रहा तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे ये हैक करते करते. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन आपके अकॉर्डिंग ये हैक होनी चाहिए पास या फिर. लास्ट हैक मेरी सबसे फेवरेट हैक है जिसमें यू नो अगेन ये आलसी लोगों के लिए बनी है जस्ट लाइक मी. तो इस वीडियो में ये लड़की सोई रहती है एंड वो कोई तो एक सीरीज या कोई तो एक वीडियो देखती होती है बट वो मोबाइल इतने टाइम तक होल्ड कर पाना इज़ ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट. तो वो दिमाग लगाती है एंड वो यूज़ करती है अपना रबर बैंड एंड वो थाइस पे वो रबर बैंड पुल ऑन करती है एंड अपना मोबाइल डाल देती है बीच में से. सो आई थिंक ये हैक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है एंड प्रैक्टिकल भी है. सो अगेन मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. सो नाउ लेट्स सी इफ दिस हैक वर्क्स इन रियल और नॉट. अकॉर्डिंग टू मी ये हैक डेफिनेटली वर्कआउट करता है बस उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो अपना रबर बैंड आप यूज़ कर रहे हो उसका जो स्ट्रेचेबल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए. जितना ज़्यादा वो स्ट्रेचेबल हो सकता है वैसे वो अच्छे से होल्ड कर पाएगा मोबाइल. अगर आपका जो रबर बैंड है वो स्ट्रेचेबल नहीं रहा तो ऑब्वियसली वो इतनी के आजू-बाजू वो रिवॉल्व होके भी नहीं आएगा आपके हाथ तक. सो डेफिनेटली रबर का साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रेचेबल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उसके बाद ही ये हैक डेफिनेटली वर्कआउट करेगा. एज आई सेड ये मेरा फेवरेट हैक है. प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना आपका फेवरेट हैक कौन सा है एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई सीरीज कॉल्ड #testinghacksvithbera. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन विच ऑल हैक्स वर
pass/fail according to you guys. Subscribe to my channel if you haven't already. Also press the little bell icon to get notified each time I upload a new video. Follow me on my social media and I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye bye.